करने पहुंचे फरियादी राजकमल वर्मा पुत्र राम गुलाम पासी निवासी मोहम्मदपुर तेगा बहादुरपुर थाना संडीला गांव के ही कुछ लोगों की शिकायत करने के लिए गया था, लेकिन संडीला पुलिस ने भुगत भोगी को ही दिन भर थाने में बैठाए रखा। वहीं हल्का सिपाही राजू प्रवीण श्रवण तीनों सिपाहियों ने मोबाइल छीन लिया और 15,000 रुपए की मांग की। पीड़िता के पास पैसा न होने के कारण रात को 3 बजे थाने की छत पर ले जाकर पट्टों से पिटाई की और पास में रखे 7,000 रुपए भी निकाल लिए और सुबह चालान कर दिया। उक्त मामले की शिकायत जब भुगत भोगी ने पुलिस अधीक्षक से की तो पुलिस अधीक्षक केशव चंद्र गोस्वामी ने क्षेत्र अधिकारी संडीला को जांच के आदेश दिए। इस मामले की सूचना मिलने पर भारतीय किसान यूनियन के पूर्वी जिलाध्यक्ष जितेंद्र प्रताप सिंह ने भुगत भोगी के घर जाकर हकीकत जानी और पूरी मदद करने का आश्वासन दिया। अध्यक्ष जी, यहाँ इस गाँव में आए हैं, क्या मामला है? ये भारतीय किसान यूनियन अवध राजू गुप्ता संगठन के पूर्वी जिलाध्यक्ष जितेंद्र सिंह, हमको जानकारी मिली तो हमने देखा और न्यूज़ में भी पेपर में भी जानकारी मिली और ये राजकमल जी हैं वर्मा बिरादरी पासी बिरादरी से आते हैं बेचारे, और इनका कुछ थोड़ा बहुत तूतू में हो गया था, उसी के चक्कर में ये सिपाही इनको पकड़ ले गए थे संडीला थाने। कौन सी पाँच नंबर हल्के में ये चौकी पड़ती है, उसी पे हैं सिपाही सरवन राजू परवीन और ये हल्का नंबर 5 चौकी पड़ती है, इसी में है सब। इनको ले जाके और रात में छत पे 3 बजे वही सुबह के टाइम 3 बजे सुबह के टाइम ले जाकर इनको पीटा पटों के हिसाब से। ये तो गलत है, इन्होंने गलत किया था, FIR करनी चाहिए थी और 151 में इनका मुचलका भी भर के इनको न्याय SDM साहब के यहाँ इन्होंने भेजा था, ये भी ठीक है, मगर ये मारने वाली और पीटने वाली ये गलत। और जब ये 15,000 ना दिया तो उसके बाद ये कार्रवाई उन्होंने किया कि 15,000 दे दोगे तो मारेंगे पीटेंगे नहीं, 15,000 नहीं मिले तो ये सब गतिविधियों से इन्होंने कार्य किया। तो ऐसे ये तो नहीं लग रहा है, पुलिस वाले खुद ही गुंडे हैं और ये तो बहुत गलत है और ऐसा नहीं लगता। इन्होंने कप्तान साहब से एक पत्र दिया है और हमको लगता है और उसमें हमको जानकारी भी मिली है, कप्तान साहब को इन्होंने पत्र दिया है और कप्तान साहब से इन्होंने जिक्र भी किया, 7,000 रुपये ले चुके हैं। दूसरी चीज़, काफ़ी प्रेशर बन रहा है इनके ऊपर कि सुलह कर लीजिए फलाना कर लीजिए, मगर सुलह उलह कोई बात नहीं, हम इनके साथ खड़े हैं ऐसे व्यक्तियों के साथ में। और हमें लगता है CO साहब संडीला को जाँच मिली है और वो न्याय संगत जाँच करके उचित कार्रवाई करेंगे, ज़रूर SC ST का मुकदमा भी लिखा जाएगा और नहीं लिखा जाएगा तो लखनऊ हम लोग IG साहब के यहाँ पेश करेंगे और लड़ाई लड़ी जाएगी। जय जवान जय किसान।